बस स्टैंड पर स्थित देशी शराब दुकान से 100 पेटी शराब की चोरी होने का मामला सामने आया था। फरियादी राजेश कुमार सुलेरे पिता मिठाईलाल उम्र 50 साल के द्वारा बलदेवगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि देशी शराब की दुकान में सेल्समैन और मैनेजर का काम करता है। 6 अप्रैल को रात 11 बजे शराब दुकान को बंद कर अपने घर चला गया। सुबह 9 बजे जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो पीछे की दीवार और दरवाजा टूटा हुआ था। दुकान के पीछे वाले कमरे में रखे 64 पेटी प्लेन मदिरा कीमत 2,24,000 और 36 पेटी देशी मदिरा मसाला कीमती करीब 1,62,000 कुल 100 पेटियों की कीमत 3,86,000 रुपये। दुकान की गुल्लक पेटी में से 7,000 नगद चोरी हो गए। पुलिस के द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान में लिया गया और उक्त घटना को लेकर पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पता चला कि रात में हरियाणा नंबर की गाड़ी के द्वारा यह चोरी की जा सकती है और रात में उक्त लोडिंग वाहन को देखा गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया और अलग अलग स्थानों पर भेजा। जैसे ही आरोपी को पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, आरोपी ने तुरंत गाल सागर तालाब की ओर भागना शुरू किया। पुलिस ने पीछा किया और उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम पता पूछे जाने पर आरोपी ने अपना नाम राम कुमार विश्वकर्मा पिता बिहारी लाल निवासी मणिपुरा मोहल्ला बलदेवगढ़ बताया। लगातार चोरियों के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा रात भर गश्त दिया जा रहा है, लेकिन चोर इतने शातिर हैं कि पुलिस से बचने के लिए देशी शराब दुकान के तालाब वाले पीछे के रास्ते लोडिंग वाहन लेकर पहुंचे और उसमें लाद कर सामान लेकर रफु चक्कर भी हो गए। कितना चोरी हुआ है माल? 33 पेटी मसाला, 70 पेटी सादा, 15,000 रुपये नगद कैश। कितने बजे आपको पता चला चोरी का? जब सुबह आगे दुकान खोली तो सीसीटीवी वाली टूटी हुई देखी, उसका इन्फॉर्मेशन हमने तत्काल ठेकेदार को दिया, उसके बाद ऑफिस को दिया, उसके बाद थाने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस जांच कर रही है। देसी शराब दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, क्या घटना है, क्या कार्रवाई हुई थी? देखिए, आज दिनांक 7/4/22 को फरियादी राजेश कुमार सुलेरे जो सेल्समैन और मैनेजर है देसी शराब दुकान का, बस स्टैंड का जो दुकान है, उसके द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट कराई कि रात को कल 10:30 बजे वो दुकान बंद करके चला गया था अपने घर पर। आज सुबह 9 बजे करीब जब वो अपनी दुकान पर गया तो दुकान के पीछे का दरवाज़ा व दीवार टूटे हुए थे और 100 पेटियां देसी प्लेन मदिरा की मसाला की कम थी और 7,000 रुपये उसकी पेटी में नहीं थे। उक्त आशय की रिपोर्ट उसने की थी। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, भ्रष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनने दिशा निर्देश दिए, उन दिशा निर्देशों के पालन में मुखबिर मामूर किए गए। मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई, घटनास्थल से जो घटनास्थल के पीछे तालाब लगता है वहाँ पर पहिए के निशान थे मैजिक गाड़ी के। उक्त मैजिक गाड़ी जो लोडिंग वाहन होते हैं, उक्त संबंध में मुखबिर मामूर किए गए कि कितनी गाड़ियाँ जो है नगर बलदेवगढ़ में हैं मैजिक वाहन। तो ये मुखबिर द्वारा बताया कि रात को 11:30 बजे के लगभग एक HR 63C 9743 गाड़ी को पीछे के रास्ते से तालाब के रास्ते से तलारी के पीछे जाते हुए देखा है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।